सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के अंतर्गत जो जूनियर इंजीनियरिंग की बहाली होनी है उसको लेकर के जो प्रदर्शन किया गया था पटना में, वहाँ से ये साफ रिज़ल्ट आया था कि आज के वक्त में आपका रिज़ल्ट नहीं आ सकता है। हाल में रिज़ल्ट आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में आज बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है। क्या कुछ बताया गया है लेटर में, वो हम आपको बताएंगे और वो लेटर भी दिखाएंगे। मगर हम आपको एक बात जो बता देना चाहते हैं वो यही है कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन कहीं ना कहीं आपके साथ खेल रही है। सोचने वाली बात यह है कि जिस लेटर को वो आज निकाल रही है उसी लेटर को इसने पहले क्यों नहीं निकाला था। जिस चीज़ का इन्फॉर्मेशन वो आज दे रहे हैं, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन वो लिखित रूप से पहले क्यों नहीं दे देते हैं? क्या ये सब काम एक प्रेशर में होता है? क्या ये सारे नोटिफिकेशन इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि आप उन पर प्रेशर बनाते हैं? इसका मतलब ये है कि जब तक आप प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक ये अगला स्टेप नहीं लेंगे। ऐसा ही कुछ लेटर आया है, एक लेटर जिसमें उन्होंने बताया है, जो लेटर बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से निकाला गया है, जिसमें लिखा है कि कनीय अभियंता की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 1/2019 में अद्यतन स्थिति। वो बता रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि दिनांक 24 तारीख को रिजल्ट के लिए कनीय अभियंता के अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया था। कनीय अभियंता की नियुक्ति का परिणाम शीघ्र प्रकाशित करने का अनुरोध किया गया था। तो कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था वहाँ जाकर के, सारे बच्चों का यही डिमांड था। लेकिन इस संदर्भ में वस्तु स्थिति यह है कि विज्ञापन संख्या 1/2019 जो कनीय अभियंता की नियुक्ति से संबंधित है में माननीय उच्च न्यायालय में 70 वाद लंबित है। इनका ये कहना है कि वही बात के कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। आगे इन्होंने लिखा है कि CWJC नंबर 3196/2021 सुनील कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार में दिनांक 1 जुलाई 2021 को पारित आदेश में स्टेटस क्वो एज एग्जिस्टिंग टुडे का आदेश पारित है। उसके अलावा ऑर्डर रिजर्व भी है और आयोग की जो अधिवक्ता द्वारा दिनांक 24/8/2021 को CWJC नंबर 98/17/2020 में हुई सुनवाई में ऑर्डर को रिजर्व करते हुए रिजल्ट प्रकाशन पर रोक रखने का निर्देश माननीय न्यायालय द्वारा दिए जाने की सूचना दी गई है। मतलब ये कि एक दफ़ा फिर से स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। अब जो बात आ रही है वो ये कि दिनांक 3/8/2021 को सामान्य प्रशासन विभाग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बैठक में लिए निर्णय के आलोक में अन्य विषयों के अतिरिक्त कन्या अभियंता के लिए प्रकाशित विज्ञापन में समकक्ष योग्यता वाले डिग्री धारी आवेदकों के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त किया जा रहा है। अब जो बात आ रही है वो ये कि इनकी एक मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 3 अगस्त को। अब आप देखते रहिए, 3 अगस्त को मीटिंग हुई और आज तारीख क्या है, आज है 25 अगस्त। ये बातें आपको कब बताई गई, 25 को, ना कि 4 को, 5 को, 6 को। 22 दिन लिया गया आपको बताने के लिए। हमें लगता है कि अगर आपने प्रदर्शन नहीं किया होता तो शायद ही ये बातें आपसे कही जाती। खैर, इन्होंने कही है, अच्छी बात है। अब इनका कहना है कि भैया हमने मीटिंग किया एक दूसरे के साथ, तो उसमें ये बातें आई कि हम परामर्श प्राप्त किया जा रहा है कि डिग्रीधारी आवेदकों के बारे में कुछ ना कुछ। अब देखिए कि इसके अतिरिक्त विज्ञापन संख्या 1/2019 में बड़ी संख्या में प्राप्त परिवाद पत्रों में आवेदनों के साथ संलग्न शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को गलत एवं फर्जी होने के संबंध में निर्णय लिया गया कि आयोग द्वारा प्राप्त सभी परिवाद पत्रों की जाँच संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली शैक्षणिक संस्थानों से कराई जाए। अब इनका कहना है कि जो कुछ भी हमारे पास नोटिफिकेशन, जो कुछ भी एप्लीकेशन एप्लीकेंट है, जो भी एप्लीकेंट है उनका जो हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम उनकी जांच करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि आयोग की बैठक दिनांक 6 अगस्त को जो हुई थी में औपबंधिक मेधा सूची में से कोटिवार अधियाचित पदों के 1.5 गुना पदों हेतु राज्य के बाहर के सभी संस्थानों विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों इत्यादि के सत्यापन का निर्णय लिया गया है। इनका कहना है कि जो भी आउट ऑफ बिहार स्टेट, जो हमारे आउट ऑफ स्टेट है यहाँ से, उन तमाम लोगों के पत्र का जांच किया जाएगा। आज तक नहीं किया गया और अब शुरू किया जाएगा, तो होगा ये प्रमाण पत्र की
उसमें जो सर्टिफिकेट्स होंगे, जो मार्कशीट होंगे और जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उन तमाम डॉक्यूमेंट का ये लोग वेरिफिकेशन करेंगे। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य से जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनके अंक एवं प्रमाण पत्रों के स्पष्ट जांच प्रतिवेदन बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा से प्राप्त होने पर समेकित मेधा सूची, जिसमें राज्य के बाहर के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, तैयार किया जाएगा। उपरोक्त के आलोक इसके अतिरिक्त बिहार राज्य से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के जांच स्पष्ट जांच प्रतिवेदन बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा से प्राप्त होने पर समेकित मेधा सूची, जिसमें राज्य से बाहर के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे, तैयार किया जाएगा। उपरोक्त के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रोक हटाए जाने एवं परिवाद तथा प्रमाण पत्रों के जांच उपरांत मेधा सूची तैयार करने पर विभाग को अनुशंसा भेजी जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, यू हैव टू वेट एंड वेट, उसके बाद देखते जाइए क्या कुछ होता है। डिपार्टमेंट पूरी तरह से उसके पास वाजिब क्या कहते हैं रीज़न है, एक बहुत सही रीज़न वो आपको दिखा रहा है, बता रहा है, आपको ना चाहते हुए उस रीज़न को मानना होगा। कहीं ना कहीं पारदर्शिता ज़रूरी भी है, ट्रांसपेरेंसी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर रिक्रूटमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको ये करना होगा कि इंतज़ार करना होगा। हाँ, मगर देखना यह है कि क्या 3 महीने में रिज़ल्ट आ जाता है या नहीं, 3 महीने के अंदर रिज़ल्ट आता है या नहीं। मेन तो बात यही होती है कि चलो एक वक्त दिया गया है तो इस वक्त में सारा काम कर लिया जाए। अब कहीं ये ना हो कि पंचायत चुनाव की वजह से आपके साथ 10 तरह की बातें आ जाए कि हमने अपने स्टाफ्स को पंचायत चुनाव में बिज़ी कर दिया था, इस वजह से लेट हो रहा है। तो ये सब कुछ एक बहानेबाजी हो सकती है। बाकी जो कुछ कर रहे हैं अगर उसे अच्छे से किया जाए, दैट्स वेरी गुड। और आप सब इंतज़ार करिए, हमें यकीन है कि आपका रिज़ल्ट जल्द प्रकाशित हो। हमें विभाग पर कहीं ना कहीं यकीन रखना होगा और उनकी बातों पर यकीन रखना होगा। हम तो वही कुछ कह रहे हैं जो आप लोगों के मन में है और हमें उम्मीद है कि देखिए क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों का अपना फ़र्ज बनता है कि आप लोग बीच बीच में जा कर के वहाँ डिपार्टमेंट से मिलिए, ट्यूटर से आप ट्रेंड कीजिए, बातचीत कीजिए और उनसे सवाल कीजिए कि भैया कहाँ तक काम बढ़ा है, कहाँ तक नहीं बढ़ा। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।